दो कटोरी उड़द की दाल है, इसको हमने रात को ही भिगो दिया था, अब हम इसको पीस लेते हैं। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालना क्योंकि ये एकदम सूखा पीसना पड़ता है। हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके हम दोबारा से फिर पीसेंगे। देखिए हमने इसको इसी तरह से पीस रखा है क्योंकि अगर ज्यादा बारीक कर देंगे आप तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। देखिए जैसे बड़े का बनाते हैं आप उसी प्रकार से इसको सूखा पीसना है, इसमें पानी ज्यादा ऐड नहीं करना है, बस एक या दो स्पून से ज्यादा पानी मत ऐड कर दीजिएगा। अब इसको हम एक थाली में रखते हैं। हमने थाली में ले लिया है, अब इसको अच्छी तरीके से हम ऐसे ऐसे इसको मिक्स करेंगे। एक चुटकी इसमें हींग भी डाल दीजिएगा, ये देखिए, और इसको फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। देखिए तैयार हो गया है, अब इसको हम रख देते हैं साइड में। दो कटोरी हमने चावल का आटा ले लिया है, हल्का गुनगुना है, अब इस आटे को हम गूंदेंगे। देखिए हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है, अब इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा एक लोई बनाते हैं ऐसे, और ऐसे गोल करके हम इसको देखते हैं कि हमारा आटा तैयार हुआ या नहीं। ये देखिए एकदम आटा हमारा तैयार हो गया। रख देते हैं और एक कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई में हम पानी लेते हैं। देखिए हमने कढ़ाई में पानी भर दिया है, अब इसको बहुत अच्छी तरीके से उबालेंगे। जब एकदम उबलने लगेगा तब इसमें हम इसको बना के डालेंगे। अब हम पानी हमारा उबलने लगा है, अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे ऐसे। ऐसे हल्का सा पुश कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक स्पून नमक। पानी उबल गया, अब इसमें हम देखिए एक एक पीस करके इस तरीके से इसे डाल देंगे। डाल दिया है, अब इसको चलाना नहीं है, इस तरीके से इसको ऐसे फिर ढक देंगे। 15 मिनट हो गया है, अब इसको हम खोल के देखते हैं कि पक गया कि नहीं।
देखिए ये एक भी टूटा नहीं, एक भी कुछ भी टूटा नहीं, देखिए इस तरीके से हो गया है। आप इसको कंफर्म पकने के लिए आप कंफर्म करना है तो आप एक इसको इस तरीके से निकालिए इसमें, और एक चाकू से आप चाकू को इस तरीके से लगा के देखिए, ये देखिए बिल्कुल नहीं लगा है। तो अब ये पक गया है, अच्छी तरीके से ये पक गया है। तो एक बाउल में निकाल लेते हैं सारा। देखिए इसको हमने पहले से बना के रखा है और उसी पानी में हम दोबारा से इसको डाल देते हैं। अब इसको हम ढक देते हैं कि ये भी अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए। हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। घी गर्म हो गया, अब इसमें हम थोड़ा सा आधा स्पून जीरा डाल देते हैं। आपका ये बन के तैयार हो गया है। इसमें सिर्फ चावल का आटा और उड़द की दाल का है। थोड़ा सा तड़के के लिए हमने घी डाला है। कभी कभी घी खाना चाहिए, कंपल्सरी नहीं कि कभी कभी घी खाना अच्छी बात होती है और अच्छा होता भी है। आप इसको किसी भी सॉस के साथ आप खा सकते हैं।